इंदौर के अमूल्य धरोहर लालबाग का गुरुवार को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने दौरा किया। इस निरीक्षण के बाद लालबाग की सूरत बदलने की कवायदी भी तेज होती नजर आ रही है। परिसर में स्थित चंपा बावड़ी को भी मंत्रियों ने देखा और इसके संरक्षण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी दिए। इंदौर के अमूल्य धरोहर लालबाग की बदलेगी सूरत। कैबिनेट मंत्रियों ने लालबाग का निरीक्षण कर देखी व्यवस्था। लालबाग के लिए तैयार किया जा रहा एक्शन प्लान। विशेषज्ञों से लालबाग को लेकर लेंगे सुझाव। इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग की सूरत बदलने की कवायदे अब तेज होती नजर आ रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर लालबाग का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों के साथ जहां उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण किया तो वहीं परिसर में बनी चंपा बावड़ी को भी देखा। मंत्रियों ने इसके संरक्षण को लेकर जरूरी निर्देश भी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दिए। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के मुताबिक लालबाग अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे, लालबाग में नक्षत्र वाटिका, योग के लिए स्थान, बाउंड्री वॉल आदि तैयार की जाएगी। यहां पर्यटकों के लिए कमरे भी तैयार किए जाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके, ऐसा काम यहां होगा। उन्होंने इसके लिए फंड को लेकर भी जरूरी जानकारी दी। साथियों, हम सब जानते हैं कि पुरातत्व के अमूल्य धरोहर है हमारा लालबाग, तो वो अपने बहुत ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे ऐसे चिंता आर्कियोलॉजी ने की है, पर काम की गतियाँ धीमी दिख रही है। इसी दृष्टि से आज इसका यहाँ निरीक्षण रखा। आदरणीय तुलसी भैया भी जब संस्कृति मंत्री थे तब उन्होंने यहाँ काम को बहुत तेज़ी से गति दी थी, और मुझे लगता है जो सड़कें आज हमें अंदर आने तक की दिखाई दे रही हैं वो आदरणीय तुलसी भैया जब संस्कृति मंत्री थे उस समय ये बनी हुई हैं, तो उनका भी विशेष लगाव है। और हम सब इंदौर के हैं तो मुझे लगता है हम में से हर किसी का चिंता है लालबाग को लेकर, तो ये अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्राप्त करे, यहाँ से अतिक्रमण, गुंडागर्दी ये सब समाप्त हो, इस बात के लिए सब लोग हम चिंतित हैं। इसका बाउंड्री वॉल बन जाए, इसमें सुंदर नक्षत्र वाटिका बन जाए, इसमें योग के लिए व्यवस्थित स्थान बन जाए और एक सकारात्मक संपूर्ण वातावरण लालबाग में दिखाई दे, इस चिंता को लेकर आज ये दौरा है। मिंटो हॉल जैसा तो नहीं बनाएंगे क्योंकि पर कुछ कमरे हम ऊपर ज़रूर तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई पर्यटक या कोई आगंतुक ठहर सके सशुल्क, उसको ले लेंगे, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। और निगम को भी आज नोटिस पत्र भेज रहे हैं कि आपका सारा भंगार यहाँ से हटा लीजिए 8-15 दिन के अंदर, और जो राम कोठी जो है बताई है उसमें निश्चित रूप से एक बेहतरीन संग्रहालय, वो अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है उसको लेकर बनाएंगे, कुछ अच्छा प्लान करके जो प्रेरणा दे आने वाली पीढ़ी को, ऐसा कुछ काम। अरे भाई, कलाकार ऐसे लड़ते नहीं हैं, अपन भी तैयार करके दे देंगे, तुम कला संगीत सीखो, कम से कम वो जीवंत तो रहे। दीदी जैसे नहीं तो ऐसी धरोहर हैं हम देखते हैं कि धीरे धीरे समाप्त प्राय होती है, तो निश्चित रूप से वर्तमान युग में उनका कुछ ना कुछ सदुपयोग होता रहेगा तो वो जीवंत भी रहेंगी और प्रेरणा भी देती रहेंगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने लालबाग को लेकर किए जा रहे काम को लेकर उषा ठाकुर की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि लालबाग को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज जी को धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसी मातृशक्ति के हाथ में पुरातन धर्म और संस्कृति विभाग जो दिया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है। मुझे पूरा विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि उषा जी के नेतृत्व में ये पुरातन विभाग इस धरोहर में एक नया स्वरूप, एक नई क्रांति, एक नया सोच, एक नया चिंतन आपके नेतृत्व में आएगा। ये उसी की दिशा में, ये इंदौर का गौरव लालबाग है। लगभग 72 एकड़ में इस परिसर है इसका, और कोई भी पवित्र काम, कोई भी अच्छा काम जब एक मातृशक्ति संकल्प लेती है, आज उषा जी ने संकल्प ले लिया है कि लालबाग का विकास, लालबाग की प्रगति, लालबाग की उन्नति होगी। और जिस प्रकार से एक कमी हम देख रहे हैं, उषा जी ने उसको दोहराया है, दृढ़ इच्छा शक्ति की। मैं इस बहन के साथ, क्योंकि संस्कृति विभाग मेरे पास भी था, अब हम इनके नेतृत्व में ये काम, लालबाग का विकास और प्रगति और उन्नति कोई रोक नहीं पाएगा। जो जो कमियाँ, जो आप फंड की बात कर रहे हैं, फंड की कमी नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, उसको हम पूरा करेंगे। ये परिसर एक नए स्वरूप में, नए सोच के साथ उभरेगा, क्योंकि ये संस्कृति और
उस राजवंश होलकर जमाने की एक धरोहर है, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना और उसको नया स्वरूप उषा जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, मैंने कहा ना, एक सक्षम नेतृत्व में इस धरोहर को सौंपा है। इसी के साथ जो एक योजना, एक रचना लाल बाग की पूरी बने, उसमें से जिस प्रकार से उषा जी का संकल्प है कि मध्य प्रदेश के साथ हमको केंद्र से भी अधिक से अधिक पैसा हम लाएंगे। पहली प्राथमिकता उषा जी की है कि बाउंड्री वॉल, आप जानते हैं ये माहिल्या की नगरी है और पानी का महत्व चंपा बाहुल्य, इसका फिर से एक रचना उषा जी ने कहा है, एक पूरी नगर नियम के साथ आईडीए के साथ बैठकर उषा जी के नेतृत्व में हम इसकी रचना के साथ वो क्या सहयोग कर सकती है, इसके लिए भी एक्शन प्लान बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो ये परिसर दिख रहा है इसको व्यवस्थित, सुरक्षित और एक नया स्वरूप करने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री सिलावट के मुताबिक विशेषज्ञों से भी लालबाग को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। अध्ययन हुआ था उसमें कौन कौन से सकारात्मक सुझाव नए आ सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का नियम है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है, वो प्लान कितने वर्ष पुराना है, इसको कैसे हम कर सकते हैं और नए। और हम तो सोचते हैं कि उषा जी का सोच है कि इस धरोहर में हम जनता को साझेदारी और उनका भी सहयोग लें और आप लोगों का भी सहयोग, क्या अच्छा सुझाव आ सकता है सकारात्मक, वो सुझाव सारे, क्योंकि जितने पुरातन विभाग के लोग विशेषज्ञ हैं उनसे भी उषा जी के नेतृत्व में हम लोग चर्चा करेंगे और जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, जैसे हर विभाग का, आपके सबके सुझाव मिलकर नया स्वरूप, एक नया ढांचा, एक उस जो एक्शन प्लान है उसमें नए ढांचे को जोड़ कर दोनों का संयुक्त बनाकर उषा जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, फिर हम दिल्ली भी जाना पड़ेगा, उषा जी के नेतृत्व दिल्ली भी जाएंगे, पर लालबाग का विकास और प्रगति उन्नति, क्योंकि मैंने बोला ना, कोई पवित्र काम करो तो मात शक्ति साधना सब पूर्ण होगा। देखा जाए तो ऐतिहासिक धरोहर लालबाग को वास्तविक स्वरूप देने के लिए कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है, इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।